नमस्ते बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 अनदर चांस पढ़ने जा रहे हैं। आओ मिलकर अभ्यास करें। ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन, पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं पहले इसे समझने के लिए। हाउ ऑफन से स्टार्ट होता है, ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, ये पूरा चैप्टर है। हिंदी अनुवाद, कवि कहता है कि कितनी बार हम इच्छा जताते हैं एक और मौके की, एक नई शुरुआत करने की, एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का और अपनी असफलता को जीत में बदलने का, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती, हमें सिर्फ एक गहरी तीव्र इच्छा की आवश्यकता है, फिर से पूरे दिल से प्रयास करने की। हमें आवश्यकता है पहले से थोड़ा बेहतर जीने की, हमेशा क्षमाशील होने की और थोड़ी सी सूर्य समान चमक लाने की इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं। इसलिए पूर्ण निराशा में भी कभी हिम्मत न हारो और सोचो कि तुम निराशा से निकल चुके हो, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है और आशा होती है फिर से नई शुरुआत करने की। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया। और यह पाठ सिर्फ एक पाठ ही नहीं, हमारे जीवन के लिए एक सीख है, हमें इसे ज़रूर समझना चाहिए। चलो मिलकर अभ्यास करें बच्चों। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 8, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? Answer: To correct our mistakes in order to make a new beginning, we wish for another chance. B. What does it take to make a brand new start? Answer: We need to have a strong desire to try once again with all our heart to make a brand new start. तो पहले प्रश्न में यह बताया गया है कि हमें दूसरा चांस पाने के लिए अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए और उसे सही करना चाहिए। दूसरे प्रश्न में ये बताया गया है कि नई शुरुआत कैसे की जाए जब हमारी सोचने की शक्ति और कुछ कर दिखाने की शक्ति बहुत ही दृढ़ हो और बहुत ही स्ट्रांग हो और हमारा दिल बहुत साफ़ हो और हमारे दिल के अंदर एक नई उमंग जागे अपने आप को कुछ अच्छा करने की। सी, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर? वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ होप टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश एंड देर इज़ अ न्यू टमोरो। इस उत्तर का मतलब है कि हमें कभी भी उदास होकर अपने आप की हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक नई शुरुआत की सोच रखनी चाहिए और एक नया दिन नई सोच के साथ शुरू करना चाहिए। डी, वट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोम? आंसर, Although we commit mistakes and face failures, there is always a hope for a next chance in our lives. We must have a strong desire to try and make our life and our whole world better. इस उत्तर का मतलब है कि चाहे तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और हम फेल भी हो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी उम्मीदों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और एक नई उमंग से नई शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। नए कल के साथ हमें अपनी उम्मीद और अपने प्रयास में दृढ़ निश्चय से अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोम। अ चांस टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू एड अ लिटिल सनशाइन, सो नेवर गिव अप in despair, and that goes for the complete the lines of the poem. Chalo milkar badhte hain aage ke prashn ki or. Word power, question number 1, read the poem and write the antonyms of the following words. Antonyms means opposite words, jise hum hindi mein vilom shabd bhi bolte hain. First is success, failure. Second is old, new. Third is shallow, deep. 4, never, always. 5, end, beginning. 6, despair, hope.
So these are the antonyms. Now let's move on further for the next exercise. Question number 2. Write 3 rhyming words for the words given below. First is 8, and the rhyming words are date, gate, great. Second is face. Rhyming words are lace, trace, grace. Number 3 is chin. Rhyming words are bin, grin, pin. Fourth is new. Rhyming words are dew, sew, few. I hope you have got the rhyming words. The words that end with the same sound. जिनकी लास्ट में साउंड सेम आती है उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्टिविटी है अब आपके लिए। अ नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट एंड द टेबल बिलो। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज। द फर्स्ट वर्ड हैज़ बीन डिकोडेड। लेट्स सी व्हाट इज दैट वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज नेवर गिव अप। सो द नेक्स्ट वर्ड विच यू हैव टू फाइंड आउट इज होप इन डिस्पेयर। And here is the solution for you all. I hope you liked the video. Do not forget to like, subscribe and share our channel Smart Kids Wonder. Thank you, children.